हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। रियल जो मॉक टेस्ट है उसके लिए आप सब तैयार हो जाएं कॉपी और पेन लेकर। आपके आंसर जो भी आए वो लिखते रहें। फाइनली आपका जितना भी स्कोर बनता है पूरी ईमानदारी के साथ उसको ऐड करना है, उसको जोड़ना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजना है कि आपके नंबर कितने आए हैं। ठीक है, मैं उस पर आपको अपना फीडबैक दूंगा। कौन सा पोर्शन आपका वीक रहा वो आप लिखिएगा खास तौर पर, और कितने आपने राइट आंसर लिए उसके लिए आपको एक नंबर देना है, और नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको 0.5 अपने ऑल ओवर मार्क्स में से पूरे स्कोर में से डिटेक्ट कर लेना है, माइनस करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये मॉक टेस्ट नंबर 3, मतलब पार्ट 3। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात कहना चाहूँगा। देखो क्या होता है, अगर आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ठीक है मॉक टेस्ट अटेंड करना चाहिए, देखता हूँ कि मैं कितना पानी में हूँ, तो देखो क्या होता है, मॉक टेस्ट अटेंड करने से आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बिल्डअप होता है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, और जितने भी रूल आपने इंग्लिश में अब तक सीखे हैं, ग्रामर के रूल आपने जितने भी सीखे हैं इस मॉक टेस्ट के माध्यम से, वो आपके रिवाइज होंगे। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको पॉज करेंगे वीडियो को, अपना अटेम्प्ट करेंगे आंसर, तो इस तरह से क्या होगा, कॉमन सी बात है, जो भी आपने स्टडी करी है वो सारे रूल आपके क्या होंगे, रिवाइज हो जाएंगे। और इन केस अगर आपको कोई रूल नहीं आता है तो मैं आपको एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस अभी इस वीडियो में हाथों हाथ हैंड टू हैंड करवाता जाऊंगा। ठीक है, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और जो भी आपका मार्क्स हो, जो भी आपका स्कोर हो, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर भेजिएगा। और अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपके लिए चैनल यूजफुल है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले हम अपना आज का ये मॉक टेस्ट। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर वन आपको इसी तरह से एग्जाम में सेम पैटर्न यही मिलने वाला है आपका, चाहे एसएससी का, एमटीएस का एग्जाम हो या फिर एलडीसी का एग्जाम हो। ठीक है, देखिए एमटीएस में क्या होते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, ये आप सभी को पता होगा, एग्जाम ऑफलाइन है, ये बात भी ठीक है, बट मैंने इस मॉक टेस्ट में ओनली 25 क्वेश्चन रखे हैं, और ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं लास्ट 5 to 6 ईयर में, ये सभी क्वेश्चंस 3 से 4 बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने पूरा एक मॉक टेस्ट कंपाइल करा है, एक मॉक टेस्ट डिज़ाइन करा है आप लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर अटेंड करेंगे, ढंग से करेंगे, पूरे ध्यान से इसको, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ इस मॉक टेस्ट को नंबर आप गेन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें हमको ए बी सी डी चार ऑप्शन देता है, चार ऑप्शन में से हमको एक राइट जो होता है, एक करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है वो हमको चूज करना है। देखिए क्या होता है, ये है मैसेकरे। देखिए मैसेकरे का जो मीनिंग होता है वो होता है नरसंहार, मतलब नरसंहार जहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी मात्रा में हत्या कर दी जाती है उसे बोलते हैं नरसंहार, जैसे युद्ध भूमि। तो युद्ध भूमि में क्या होता है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उसको बोलते हैं नरसंहार। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, राइट स्पेलिंग इसकी क्या है, आप इस वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर चूज करिए, और पेन पेपर आप लेके बैठे होंगे, पहले का आंसर आपका जो भी हो उसमें लिखिए ए, अगर आंसर ए है तो, अगर बी है तो बी, सी है तो सी, अदरवाइज डी है तो डी। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, MASSACRE, मैसेगेरे। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन है रिहर्सल। रिहर्सल का मतलब आपको सबको पता होगा, रिहर्सल का मतलब होता है किसी ड्रामा या एक्ट की प्रैक्टिस करना, वो होता है रिहर्सल। तो इसकी राइट स्पेलिंग क्या होगी, वीडियो को पॉज करिए, चूज करिए अपना राइट आंसर क्या होगा। देखिए रिहर्सल की जो राइट जो स्पेल्ड होता है, जो सही जो स्पेलिंग होती है इसकी, वो होती है डी, REHERSAL, रिहर्सल, डी इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन
देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पार्ट वन में उनसे करेक्टली स्पेलिंग ही पूछेगा कि सही स्पेलिंग क्या है, कौन से वर्ड की सही स्पेलिंग क्या है। तो देखिए इसका जो एग्जैक्ट जो इसका अर्थ होगा वो होगा बहुमूल्य। ठीक है, बहुमूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसकी स्पेलिंग क्या होती है वो हमको पता होनी चाहिए। सम चू अस, सम चू अस। तो इसका जो राइट जो स्पेलिंग है वो है ए, ए इज द राइट आंसर, SUMPTUOUS। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में हमको बोल रहा है मेडियोकर। मेडियोकर की स्पेलिंग एग्जैक्ट क्या होगी, सही स्पेलिंग क्या होगी, क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे पूछ रहा है। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है एवरेज, मतलब सामान्य सी बात, जैसे होते हैं एवरेज, एवरेज है, औसतन, इसको वो बोलते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग जो होगी वो होगी दे, MEDIOCRE, मेडियोकर। क्वेश्चन नंबर फाइव, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फाइव, आप अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को, राइट आंसर बताइए क्या होगा। सैटेलाइट, ए बी सी डी चार ऑप्शंस हैं। सैटेलाइट हम कई बार, हम लोगों ने देखा है कि साइंस ने काफी इन्वेंट करा, काफी खोज करी, सैटेलाइट यहाँ गई वहाँ गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो सैटेलाइट हम लोग न्यूज में काफी बार पढ़ते हैं, बट एग्जाम में जब हमसे स्पेलिंग के बारे में पूछने के भी क्वेश्चन आता है तो अधिकांश बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर निकालिए क्या होगा अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर है वो है सी, SETELLITE, सैटेलाइट। देखिए क्या होता है एग्जाम में, कुछ स्टैंडर्ड कुछ वर्ड होते हैं, जैसे आपका सिगरेट हो गया, बुके हो गया, कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, ये इसके अलावा चार वर्ड और हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, MTS के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आप ये भी सर्च मारिएगा इसके एग्जैक्ट जो होती है स्पेलिंग क्या होती है। अगेन बोल रहा हूँ, सिगरेट, बुके, कर्नल एंड लेफ्टिनेंट। ठीक है, इसके आपको राइट स्पेलिंग क्या हो वो भी आपको याद करनी चाहिए। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है एडियम एंड फ्रेजेस। एडियम्स एंड फ्रेजेस हमको इसमें देखना है, इसको बोलते हैं हिंदी में मुहावरे एंड लोकोक्तियां। देखिए इसने बोला है कि आफ्टर गेटिंग ए सीवियर स्कॉल्डिंग फ्रॉम हिज मदर राहुल गॉट डाउन टू बिजनेस। गॉट डाउन टू बिजनेस जो है इसका इडियम्स, ये किससे संबंधित है? देखिए इसका सबसे पहले तो मैं हिंदी में आपको मीनिंग बताऊं कि अपनी मदर से डांट खाने के बाद राहुल क्या हो गया, गॉट डाउन टू बिजनेस हो गया। देखिए क्या होता है, अगर कोई बच्चा होता है अपनी माँ से अगर डांट खाता है तो उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होगा, बिगिन टू वर्क सीरियसली, वह सीरियस तरीके से काम करना आरंभ करेगा, स्टार्टेड अ बिजनेस, क्या वो अपना काम खोल देगा डायरेक्ट, या बिकम बिजनेस लाइक, वो बिजनेस से प्यार करने लगेगा, पसंद करने लगेगा उसको, या ज्वाइन हिज फादर, वो अपने फादर को ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पे जो इडियम फ्रेजेस बनता है इसका अगर साइंस निकाली जाए, इसका अगर लॉजिक निकाला जाए कि इसका सही अर्थ की निकाला जाए, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ए का मतलब है बिगन टू वर्क सीरियसली, कोई भी इंसान होता है डांट खाने के बाद क्या करता है, काम को काफी सीरियस तरीके से स्टार्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर सेवन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन ये रहा आपकी स्क्रीन पर नाउ। द मदर वॉज राइट इन गिविंग ए पीस ऑफ हर माइंड टू द डॉटर। देखिए यहाँ पे जो है आपका गिविंग ए पीस ऑफ हर माइंड, ठीक है, अगर इसका सही मीनिंग निकाला जाए तो इसका मतलब होता है डांटना, एग्जैक्ट मतलब किसी को काफी कड़ी फटकार लगाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, स्पीकिंग शार्पली। देखो उसने क्या हो गया, मुझे काफी शार्पली बोल दिया कि आप मेरे घर मत आओ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने डांटा है हमको, कहीं ना कहीं इसमें नेगेटिव सेंस छुपा हुआ है शार्पली में, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर एट है, द फादर सा थ्रो द एक्सक्यूज ही गेव। देखिए यहाँ पे जो है आपका सा थ्रू जो है ये एक्चुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी थ्रू होगा, किसी की बात का रियल इंटेंशन भाप जाना। जैसे कोई अगर
आपके डोर पे कोई अगर सामान बेचने आता है और वो सामान जो है नकली है, आपको फोर्स करता है, ठीक है, आप सामान से मैडम परचेज कर लो, सर परचेज कर लो, सस्ते में परचेज कर लो, तो उसकी इंटेंशन को भाप जाना, तो इसको बोलते हैं डिटेक्ट। तो उसकी इंटेंशन क्या है, उसका जो मनसा है, उसकी इच्छा एग्जैक्ट है क्या, सामान में ऐसा क्या गलत छुपा हुआ है जो हमको बेचने के लिए ये इतना उतारू हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सी। सी इज द राइट आंसर, डिटेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस आप अटेंड कर रहे हैं ध्यान से सुनना, जितने भी क्वेश्चंस आपने अब तक 1 to 9 या जितने आने वाले क्वेश्चन अभी आप देखेंगे टिल 25 तक, वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, एमटीएस के एग्जाम में, एलडीसी के एग्जाम में, तो इसलिए इस मॉक टेस्ट को काफी ध्यान से देखिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का जो इडियम्स होता है, फिट्स का मतलब होता है किसी जगह पे किसी चीज को फिट कर दिया और अचानक से वो स्टार्ट हो गया, फिर फिट हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई चीज रुक रही है, चल रही है, 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 तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा इरेगुलर। रेगुलर मतलब जो निरंतर चलता रहा है, इरेगुलर रुक रुक के चलने वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। आप इस तरह से इस वर्ड को याद कर सकते हैं, जो सी वर्ड है एक्साइटेड मतलब उत्साह हो जाना, और कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके स्क्रीन पर, ही लेफ्ट द टाउन अंडर ए क्लाउड, ही लेफ्ट द टाउन अंडर ए क्लाउड। देखिए अंडर ए क्लाउड का जो मतलब होता है वो होता है किसी पर आरोप लगा हो, अंडर द क्लाउड मतलब कोई इंसान क्या है, किसी आरोप से घिरा हुआ है। क्लाउड क्या होते हैं, बादल होते हैं, बादल का मतलब क्या होता है, विपत्ति। कहते हैं ना कि हमारे ऊपर तो काफी सारे बादल मंडरा रहे हैं आजकल, एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा है, तो अंडर ए क्लाउड का मतलब किसी आरोप से घिरा हुआ, किसी के ऊपर कलंक लगा है किसी चीज का, या फिर कोई इंसान काफी हताश है, लोग उसको क्या कर रहे हैं, काफी नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगा हो। जैसे कैदी होता है एग्जाम्पल के तौर पे, कैदी जब अपनी सजा काट के बाहर आता है तो बाहर आने के बाद में भी वो अंडर ए क्लाउड होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, डिस्क्रेज, डिस्क्रेज, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 कहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मतलब एक लंबा सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसका एक सिंगल वर्ड में आंसर आपको देना है, ठीक है। एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। हस्बैंड और वाइफ का लीगली सेपरेशन जब वो अलग हो जाते हैं लीगल तरीके से, जब उन दोनों के बीच में लीगल तरीके से एक डाइवोर्स हो जाता है, तो पति के द्वारा पत्नी को दी जाने वाला अलाउंस या मनी क्या कहलाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो भी एस्पिरेंट इस टाइम पे अगर किन्होंने आप में से किसी ने भी एक दो एग्जाम दिए हैं अपने, तो उनको पता होगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, 11 का जो राइट आंसर है वो है ए, एलिमोनी, ठीक है। देखो पार्सिमोनी होता है कंजूसी, मैट्रिमोनी होता है तुम्हारा शादी, और ऑनोरेरियम का मतलब होता है तुम्हारा किसी के सम्मान में काम करना, ठीक है। इसका जो एक राइट आंसर है वो है ए, एलिमोनी। ए वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, यहाँ पे काफी सारा नॉइज हो तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, ऐसे इसके लिए एक सिंगल वर्ड क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉन्डेमिनियम या पॉन्डेमोनियम, कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ए है। और जो आपका ये स्टीर है, स्टीर का मतलब होता है उथल पुथल, सी एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, ये भी आप लिख लीजिएगा। मैं आपको सबके सब जितने भी ऑप्शंस हैं, मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट आपको हिंदी में मीनिंग बता देनी चाहिए वो मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ, और हो सके तो वो लिख लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने नंबर साइड बाय साइड अपने पेपर पेन लेके बैठे होंगे
और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर भेजेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट। देखिए क्या होता है, चार्ट और मैप बनाने वाले आदमी को क्या कहते हैं, इस कला को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो जो लगा के आते हैं अपना राइट आंसर वो लगा के आते हैं डी, कैलीग्राफी। देखिए कैलीग्राफी क्या होता है, कैलीग्राफी होता है अच्छी हैंडराइटिंग लिखने की कला, ठीक है। जो मैप बनाता है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। और ये पेलियोग्राफी जो है वो स्टोन से संबंधित है, मेटलग्राफी और जो है ये मेटल जो है ए ऑप्शंस, ये मेटल से संबंधित है। बट 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 भी काफी इंपॉर्टेंट है, लाइबल टू बी इजिली ब्रोकन, जो काफी आसानी से टूट जाए। जैसे आप बिस्किट खाते हैं, बिस्किट को तोड़ने के लिए आपको किसी आरी की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल दो फिंगर से आप उसे इजिली ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। इजिली ब्रेकर ब्रा, ब्रा से बना है प्रीटर, ठीक है ना। बी आर आ रहा है ब्रोकन पे, बी आर आ गया, तो यहाँ पे बी में क्या आ गया, ऑप्शन बी में क्या आ रहा है, ब्रिटल। तो बी आर, बी आर से इस तरह याद करिए, इसको बोलते हैं हिंदी में भंगूर। भंगूर मतलब इजिली ब्रोकन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लाइट का मतलब हल्का, फिकल का मतलब अनस्टेबल, और ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, जिससे आर पर देखा जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कुछ इस तरह से है, देखिए सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, ये क्वेश्चन शायद में मिस हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस को इंप्रूव करना है हमको। तो दे वर एस्टोनिस्ट थ्रू हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशंस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एस्टोनिस्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है चकित होना, इसके बाद बाय या एट लगता है, ठीक है। कभी भी थ्रू का इस्तेमाल नहीं हुआ, या तो बाय लगेगा या फिर एट हम लगाएंगे, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन में बाय नहीं है, केवल एट है, तो हम लोग अपना राइट आंसर क्या लगाएंगे, एट, याद रखिएगा, ठीक है ना। एस्टोनिस्ट का मतलब क्या होता है, चकित कर देना, सरप्राइज कर देना, इसके बाद हमेशा एट या बाय लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में है, व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू राइट टू योर फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे हम लोग हिंदी में बात करें कि तुम अपने फ्रेंड को लेटर लिखना कब स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे क्या है, एक इमीडिएट टास्क है, ठीक है, फ्यूचर के लिए। और इसमें क्या है, फ्यूचर के लिए स्टार्टिंग नहीं लगता है बल्कि गोइंग लगेगा, ठीक है। फ्यूचर के लिए अगर हम भी बात कर रहे हैं तो इसमें स्टार्टिंग आईएनजी की फॉर्म नहीं लगेगी, उसमें क्या लगेगा, हमेशा गोइंग लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट आंसर आपका बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, आई प्रिफर टू राइड देन टू टॉक। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रिफर लिखा हुआ है, ठीक है ना। जहां पे ऐसा कोई सेंटेंस होता है तो हम वहां पे आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। प्रिफर के बाद रेदर देन लगता हो तो प्रिफर टू भी लगेगा, रेदर देन, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 18 में जो राइट आंसर है वो है सी, राइडिंग, प्रिफर के बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, आईएनजी की फॉर्म लगेगी, तो हमारा जो राइट आंसर होगा सी, राइडिंग टू वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई हैवंट फिनिश्ड टू पेंट द डोर। देखिए यहाँ पे जो लगेगा, यहाँ पे आपका द डोर अगर आया है तो यहाँ पे इस केस में इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। देखिए कुछ वर्ड सिंपल ऐसे होते हैं, जैसे कि आपका एंजॉय हो गया, अवॉइड हो गया, फिनिश हो गया, के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज करा जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कुछ वर्ड एंजॉय, अवॉइड, फिनिश के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज करा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा,
आईएनजी फॉर्म के अकॉर्डिंग पेंटिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, सी यूजली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल सी फिनिश्ड ऑल हर चोरस। देखिए यहाँ पे कह रहा है सी यूजली डज नॉट, ठीक है, मतलब ये पूरा सेंटेंस अगर देखें अगर हम गौर से तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का यहाँ पर अब यूज होगा, तो यहाँ पे फिनिश्ड की जगह पे क्या होगा, फिनिशेज, बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमको सिनोनिमस निकालने हैं, इसके समानार्थी शब्द जो उसका सेम अल्टरनेट होगा वो हमको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहता है एडमोनिशन, एडमोनिशन, ठीक है। इसका अगर आपको मीनिंग पता है हिंदी में तो आप इजीली इसको पिक कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्या होता है, वोकैब जो एक ऐसा पार्ट है कि वोकैब को आप कंपटीशन एग्जाम से स्किप नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि यार दो तीन वर्डों की वोकैब आनी है, छोड़ो यार क्या फर्क पड़ता है, याद नहीं करते, ठीक है। तो देखो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलत फहमी में आप जी रहे हैं। वाकब आपका केवल एंटोनिमस और सिनोनिमस में काम नहीं करती बल्कि आपके पैराग्राफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। देखिए क्या होता है, पैराग्राफ में आपको कोई ऐसे वर्ड दे देगा जिससे कि आप पैराग्राफ का सही मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे कि पैराग्राफ कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है। तो इसलिए वाकब को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है। वाकब के लिए मैंने चैनल पर एक राजेश्वरी पब्लिकेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने वॉकअप को याद करने की एक एडवांस ट्रिक बता रखी है जिसको हम बोलते हैं निमोनिक मेथड। उस मेथड के माध्यम से हम लोग 30 मिनट में कम से कम 35 से 40 वर्डों को याद कर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए। निमोनिक मेथड होता क्या है मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूं। निमोनिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी वर्ड को काफ़ी ईजिली याद कर लेते हैं। जैसे कोई वर्ड हमको याद करना है तो हम उस वर्ड को रियल लाइफ के एग्जाम्पल से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है, अगर किसी वर्डों को इस तरह से याद करा जैसे करा जाता है तो उसकी मेमोराइज की जो पावर होती है, याद करने के जो उसके दिन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब वो वर्ड हमें लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसका अगर मैं आपको हिंदी का मीनिंग बताऊंगा, इसका एडमोनिशन का जो मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है चेतावनी देना। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 21 का चेतावनी देना का मतलब होता है वार्निंग देना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी को, मतलब किसी की प्रशंसा करना। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, और कॉन्डमनेशन का मतलब होता है आलोचना करना, किसी की बुराई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है सॉलिटरी, सॉलिटरी। अब देखो अगेन हमको इसका मीनिंग नहीं पता तो हम कम से कम 50 क्वेश्चंस में से अपने 10 क्वेश्चंस स्किप करने वाले हैं एग्जाम में, अगर हमको वोकैब नहीं आती है तो, क्योंकि एमटीएस में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके अप्रैल एग्जाम में, तो इसलिए वोकैब को अभी भी आप ध्यान देना चाहें दे सकते हैं। देखिए सॉलिटरी का मतलब जो होता है अकेला, अकेलापन। जैसे कोई कैदी होता है, कुछ कैदी काफी खूंखार होते हैं तो उनको सॉलिटरी सेल में रखते हैं, कमरे में रखते हैं, अकेलापन, बिल्कुल अकेला उसको उस कमरे में कैद कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा इसका सही राइट आंसर, इसका क्या होगा, कॉमन सी बात है, अकेले को बोलते हैं लोनली, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। देखिए सप्टर का मतलब होता है धीमा, ठीक है। डी जो होता है वो होता है वॉलंटियर, वॉलंटियर मतलब क्या होता है, अगर आप किसी एनजीओ में काम करते हैं, अगर आप लोग कहीं जा करके कहीं फ्री में सेवा करना चाहते हैं, मतलब अपने आप स्वयं से आप चाहते हैं कि उस मंदिर में जाके मुझे काम करना है, तो आप अगर वहाँ पे काम करेंगे तो वो एज ए वॉलंटियर लेवल पे काम करेंगे, तो वॉलंटरी से बना है वॉलंटियर्स, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 22 और अगला है हमारा 23। 23 में सिनोनिमस अगेन पूछ रहा है, अल्टरनेटिव पूछ रहा है, इसका सेम वर्ड का क्या होगा, इसका जो मतलब है वो होता है सीटाडेल, सीटाडेल। देखिए सीटाडेल का अगेन आपको मीनिंग पता होगा,
मैक्सिमम बच्चों को, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सीटा डेल का मतलब होता है किला जैसी जो मीनार होती है ना, ऊंची ऊंची मीनार जो होती है, तो लंबे या किले जैसे मीनार को बोलते हैं सीटा डेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो इसका राइट आंसर जो है वो है डी, फोर्ट, फोर्ट्रेस। फोर्ट क्या होता है, किला होता है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, डी से निकलेगा। पैलेस होता है हमारा महल, मैंसन का मतलब होता है हवेली, और मेट्रोपोलिस का मतलब होता है सिटी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है हमारा एबिरेशंस, जो इसका हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है अपने लक्ष्य से भटकना, अपने लक्ष्य से भटक जाना। तो अब सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डाइवर्ट, डाइवेशंस। कहते हैं ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया, डाइवर्ट मतलब ट्रैफिक जिस रास्ते जाता था रेगुलर, वो अब क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। हम कॉमन वर्ड ऐसे से बोलते हैं ना, ये हम डेली वेजिस में हम लोग मतलब यूज करते हैं हम लोग उसको डेली लाइफ में। तो ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होगा, ए। बी, बी का मीनिंग है आपका इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है और तेज करना, जस्टिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापित करना, और जैक्सटा पोजिशंस का मतलब होता है पास पास किसी चीज को लगा देना। क्वेश्चन नंबर 25, होल सम। देखिए होल सम का मतलब होता है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो, मतलब पौष्टिक आहार। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि साउंड फूड, कभी कभी हम कहते हैं साउंड फूड मतलब काफी अच्छा खाना। तो होल सम में क्या आएगा, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साउंड। देखिए हमको लग काफी अजीब रहा है कि यार ये साउंड कैसे हो सकता है, बट कभी कभी होता है कि हमको एग्जैक्ट उसके सिलेबस नहीं मिलते हैं, मिल नहीं पाते एग्जाम में, तो वहाँ पे हमको स्मार्ट वर्क काम करना पड़ता है, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी यहाँ पे काम आती है। यहाँ पे आप कंप्लीट भी कह सकते थे, बट कंप्लीट यहाँ पे गुड सेंस नहीं देगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, जो पेपर में जो राइट आंसर था वो था आपका सी। ये 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे दोस्तों। आपके नंबर कितने आए, आपके कितने राइट क्वेश्चन थे, कितने रॉन्ग थे, वो सब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। डिस्टर्बेंस पीछे से जो भी हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आपका देखिए रिपोर्ट कार्ड मैंने यहाँ पे बना रखा है, आप अगर आपके स्कोर 80 to 25 आते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, हाई चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। 16 to 18 आपके राइट आंसर हैं तब भी आप एक्सीलेंस हैं, वेरी गुड चांसेस हैं आपके। 15 to 18 अगर नंबर आपके आ रहे हैं तो ओनली वेरी गुड, ठीक है, गुड है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। 10 to 15 के स्कोर में बिलो एवरेज है, प्रैक्टिस हार्ड करिए। अगर आपके 10 में से कम नंबर आ रहे हैं तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। लर्न कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट है, जो भी रूल है उसको लर्न करिए। हमारे चैनल पे आपको लुसेंट जो ग्रामर की जो बुक है उसके बेसिक रूल, ग्रामर के जितने भी रूल हैं वो सब करवा चुके हैं हम लोग, उसको आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए। और वोकैब को आपको याद करना है तो उसके लिए राजेश्वरी पब्लिकेशंस की बुक भी आपको मैंने दे रखी है, सही तरीके से समझा रखा है उसको, आप किस तरह से आप वॉकअप को याद करेंगे, कैसे एग्जाम्पल सेट करेंगे। नोट्स बनाइए अपने, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नोट्स बनाइए, बट नोट्स काफ़ी शॉर्ट बनाना, ठीक है, काफ़ी छोटे बनाओ नोट्स, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा जिस उसकी हेल्प से आप उसको इजीली रिवाइज कर सकें, एक बुक में और अपने नोट्स में कुछ ना कुछ तो फ़र्क ज़रूर रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा, अपने मार्क्स जरूर करिएगा, आपके नंबर कितने आए बताना मुझको। और अगर ये वीडियो को पसंद आया रियल में तो आपके जो भी फ्रेंड है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इसको शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा, उनको शेयर करिए। ये कारवा केवल यहीं तक नहीं रुकना चाहिए, इसको आगे तक बढ़ाइए, जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचाइए, ठीक है। इसी के साथ उन्नति कंपटीशन क्लासेस की ओर से मैं हूँ उमेश, मिलता हूँ जल्द एक नए मॉक टेस्ट के साथ, लेता हूँ आपसे अलविदा। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए मेरी ओर से आपको ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।